हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिवानी, लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और हैशटैग बी बोल की वीडियो। इससे पहले कि मेरी जो हैशटैग बी बोल की वीडियो है वो मेरी पूरी प्लेलिस्ट है हैशटैग बी बोल के नाम से, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। पीरियड्स, प्रेगनेंसी और आपकी सेक्सुअल लाइफ से रिलेटेड आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएंगी। आज का जो टॉपिक है वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है कि क्या करने से प्रेगनेंसी नहीं होती है। बहुत सारे मिसकंसेप्शन है लोगों को, क्योंकि मैं खुद कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ आप लोगों के, और एक टाइम पे मेरी पूरी प्रेगनेंसी सीरीज़ मैंने निकाली थी और बहुत सारी वीडियोस प्रेगनेंसी से रिलेटेड मैंने शेयर की थी। तो कुछ ना कुछ ऐसे कमेंट्स आते रहते थे और मैं सोचती थी कि लोगों को कितने मिसकंसेप्शन है और कैसे कैसे सवाल मुझसे पूछते हैं। लेकिन फिर मुझे एट द एंड लगा कि अगर प्रॉब्लम है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो कोई बात नहीं, वो भी हम दूर कर देते हैं। आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही मैंने कॉमन क्वेश्चंस उठाए हैं जो कि मेरे पास आते हैं, और मैं आज उन पर आपको रिप्लाई करने वाली हूँ कि क्या करने से प्रेगनेंसी नहीं होती है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर करना, मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और पहली बार यहाँ पर हो तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करके जाना, ताकि मेरी और भी आगे आने वाली वीडियोस आप कंटिन्यूअसली देख पाओ। आइए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर वन, क्या किस करने से या हक करने से, एक लड़का और लड़की अगर आपस में हक करें या किस करें तो क्या प्रेगनेंसी हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं। और सच में ट्रस्ट मी, ये कमेंट मेरे पास आता है तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। कौन सी दुनिया में जी रहे हो आप? पर्दे पे आप एक्ट्रेस एक्ट्रेसेस को देखते हो जो कि किसिंग सीन करते हैं, तो क्या वो प्रेग्नेंट हो जाती होंगी लड़कियां? नहीं ना। तो किस करने से कोई प्रेगनेंसी नहीं होती है। आप कितनी भी देर तक किस किसी को कर सकते हो या फिर कितनी बार भी कर सकते हो, उससे कोई प्रेग्नेंट नहीं होता है। पॉइंट नंबर टू, क्या ओरल सेक्स करने से प्रेगनेंसी होती है? क्या अगर लड़की ओरल करते टाइम अगर सीमन को सॉलो कर ले तो क्या उससे प्रेगनेंसी हो जाती है? दोनों का ही आंसर है नहीं। ओरल करने से प्रेगनेंसी कैसे होगी और सॉलो करने से भी कैसे होगी? हमारा जो खाना हम खाते हैं या कुछ भी खाते पीते हैं उसका एक सिस्टम अलग है, और जहाँ पर बच्चा बनता है जो यूट्रस है वो सिस्टम अलग है। तो अगर गलती से मुँह में चला जाता है या इंटेंशनली भी चला जाता है तो वो आपके सिस्टम से बाहर चला जाएगा। जैसे खाना का जो वेस्ट होता है, जैसे सुसु पॉटी वगैरह निकलता है हमारी बॉडी से बाहर, वैसे ही उस रास्ते से वो निकल जाएगा, आप उससे प्रेग्नेंट नहीं होते हो। नेक्स्ट कमेंट कि अगर बाहर डिस्चार्ज किया हो, सीमन जो है वो बाहर रिलीज़ हुआ हो, अंदर नहीं गया हो बिल्कुल भी, तो क्या उससे प्रेगनेंसी हो जाएगी? जब अंदर गया ही नहीं तो प्रेगनेंसी कैसे होगी? अगेन ये क्वेश्चन भी मेरे पास आता है। लेकिन अगर आप श्योर नहीं हो कि सारा बाहर गया है, कुछ ड्रॉप्स अंदर रह गई हैं, उससे प्रेगनेंसी हो सकती है। लेकिन अगर आप बिल्कुल श्योर हो कि सारा बाहर ही हुआ है तो उससे प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। अगर वजाइना के आसपास आउटसाइड एरिया पे थोड़ी बहुत ड्रॉप रह जाती है तो हाँ, थोड़ी पॉसिबिलिटी होती है कि वहाँ से थोड़ा बहुत अंदर स्पर्म जा सकते हैं। तुरंत उसके लिए आप क्लीनिंग करिए, या वाइप से क्लीन कर सकते हो या वॉश कर सकते हो वॉशरूम में जाके, तो चांसेस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट कमेंट आता है कि क्या प्रेगनेंसी में सेक्स करने से दोबारा से प्रेगनेंसी हो जाएगी या ट्विन बेबी हो जाएंगे, या फिर जो अंदर बच्चा है अगर वो लड़की हुई तो क्या अंदर जो बच्चा है वो प्रेग्नेंट हो जाएगा? मतलब क्या क्या नहीं सोचते आप लोग, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक बार अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो दोबारा नहीं हो सकती। ट्विन बेबी का कुछ और प्रोसेस होता है, ट्विन्स बेबी किसी और रीज़न से होते हैं। इस पूरे प्रोसेस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि ट्विन्स की प्रेगनेंसी जो है वो कैसे होती है। उस वीडियो का लिंक आपको मैं आई बटन पे दे दूंगी, आप वो जाके चेक करना और अपने डाउट्स क्लियर करना कि आखिर ट्विन्स बेबी कैसे बनते हैं। अगर आपका पार्टनर ऑलरेडी प्रेग्नेंट है तो उस टाइम पे इंटरकोर्स करने से प्रेगनेंसी नहीं होती है। लेकिन कुछ लोगों को ये डाउट होते हैं कि ये सेफ है या नहीं, बेबी को कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं, तो इस पर मैंने डिटेल में भी वीडियो बनाई हुई है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर इंटरकोर्स करने से क्या होता है, क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, कब करना चाहिए, कब सेफ है कब नहीं है, तो वो डिटेल के लिए भी अगेन मेरी वीडियो है चैनल पे, उसका भी अगेन आपको लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगी, आप वो चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कॉन्डोम के साथ इंटरकोर्स करने पे प्रेगनेंसी नहीं होती है और हम कॉन्डोम यूज करना नहीं छोड़ सकते क्योंकि इन्फेक्शन हो जाएगा फिर, तो
ऐसे कमेंट पे पता नहीं मैं कैसे रिप्लाई करूँ। ये सच में मेरे पास कमेंट एक से ज़्यादा बार आया हुआ है और मुझे समझ नहीं आता कैसे रिप्लाई करूँ। मैं बस आपको यही बोल सकती हूँ कि देखो, अगर प्रेगनेंसी चाहिए तो स्पर्म का और एग का मीटअप तो कराना पड़ेगा ना, और उसके लिए तो कॉन्डम नहीं यूज़ करोगे तभी वो होगा ना। और इन्फेक्शन का जहाँ तक बात रही, तो अगर आप और आपका पार्टनर एक दूसरे के साथ लॉयल हो, आप अपने पार्टनर के अलावा किसी और के साथ संबंध नहीं बनाते, और आप दोनों अपने हाइजीन का और क्लीनिंग का ध्यान रखते हो, तो आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बिना कॉन्डम के भी इंटरकोर्स कर सकते हो और अपनी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हो। एक और चीज़ होती है कि बहुत सारी लड़कियों को पता ही नहीं होता और वो जाने अनजाने बर्थ कंट्रोल पिल खा रही होती हैं और फिर सोचती हैं कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही। ऐसा उन लड़कियों के साथ होता है जिनकी शरीर में हार्मोनल इम्बेलेंस की प्रॉब्लम होती है या PCOS PCOD की प्रॉब्लम होती है। ऐसे में जब आप डॉक्टर के पास जाते हो और उनसे ट्रीटमेंट करवाते हो, तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपको दवाइयाँ खाने को दी जाती हैं वो बर्थ कंट्रोल पिल होती हैं, जिससे आपके जो पीरियड्स हैं वो ठीक से आए या हार्मोनल इम्बेलेंस की प्रॉब्लम ठीक हो जाए। अब आपको तो वो पता नहीं है, आप तो उसको PCOS या PCOD की दवाई समझ के खा रहे हो या हार्मोन की दवाई समझ के खा रहे हो, लेकिन जबकि वो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं और फिर उसके साथ साथ आप प्रेगनेंसी के लिए भी ट्राई कर रहे हो, तो कैसे होगी प्रेगनेंसी। तो बहुत ज़रूरी है अपने डॉक्टर से कंसल्ट ये भी कीजिए कि हम प्रेगनेंसी के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, ताकि वो आपको हार्मोन इम्बेलेंस का या पीरियड्स टाइम पे लाने का कोई दूसरा तरीका बताए, ना कि आपको बर्थ कंट्रोल पिल दें। वैसे इस पर भी मेरी वीडियो है चैनल पर कि अगर आपको हार्मोनल इम्बेलेंस हो रहा है या फिर PCOS PCOD की प्रॉब्लम है तो क्या करें, एक दो वीडियो मैंने बनाई है इस टॉपिक के ऊपर, तो आप उन्हें चेक कर सकते हो #BeBold प्लेलिस्ट में जाके। अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं और वो ये कि रिलेशन बनाने के बाद पीरियड्स आ गए हैं तो क्या प्रेगनेंसी है या नहीं है। ऐसे भी कमेंट आते हैं कि क्या प्रेगनेंसी के बाद पीरियड होते हैं प्रेग्नेंट होने के बाद किसी को, मतलब आपको इतना ही नहीं पता है कि पीरियड्स और प्रेगनेंसी का आपस में संबंध क्या है, क्यों होती है। और एक बंदे को मैंने रिप्लाई किया कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड के पीरियड्स आ गए हैं तो मतलब प्रेगनेंसी नहीं है, और आप जब इतने समझदार हो, आप इतना बड़ा डिसीज़न ले रहे हो कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिज़िकल हो रहे हो, तो क्या आप इन छोटी छोटी बातों के बारे में जान नहीं सकते? पीरियड्स क्या होता है, क्यों होते हैं, प्रेगनेंसी और पीरियड्स का आपस में क्या रिलेशन है। मैंने उन्हें अपनी एक दो वीडियो रिकमेंड करी कि ये एक दो वीडियो आप प्रेगनेंसी और पीरियड्स से रिलेटेड मेरी हैं, देखिए और थोड़ी नॉलेज लीजिए। और वो भाई साहब इतने गर्म हो गए और मुझे ऐसे बोलने लगे कि तुमसे जितना पूछा जा रहा है उतना ही रिप्लाई करो, ज़्यादा ज्ञान मत दो। और मुझे ऐसा लगा कि क्यों दूँ मैं फिर मैं आपको रिप्लाई, ये इंस्टाग्राम की बात है, कमेंट सेक्शन की भी बात नहीं है। इंस्टाग्राम पे आप चाहते हो कि मैं आपको पर्सनली हर एक बंदे से बात करूं और आपको कंसल्टेशन दूं, और जहां जब मैं आपको कुछ समझाना सिखाना चाहती हूं तो वो आपको जानना नहीं है। मैं क्या आपकी डॉक्टर हूं, मैं क्या आपकी पर्सनल कंसल्टेशन हूं, क्या आप मुझे कोई फ़ीस पे कर रहे हो कि मैं आपको ओ करती हूं जवाब देना इंस्टाग्राम पे पर्सनली? नहीं ना, आप मेरी वीडियो देखो और कमेंट करो। इसीलिए अब मैंने इंस्टाग्राम पे रिप्लाई करना ही बंद कर दिया है। इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो मेरी अच्छी अच्छी फोटोज़ और वीडियोस देखने के लिए आप वहाँ फॉलो करो। जहाँ तक बात रही क्वेरीज़ की, तो आप मुझे यहीं कमेंट सेक्शन में पूछो कम से कम, कि सबके सामने तो होगा और मैं कमेंट चर्चा की वीडियो भी तो स्पेशली इसीलिए करती हूँ ना आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। आप पर्सनली जा के मैं सबको समझाऊँ भी और ऊपर से इतना सुनूँ भी आपसे। तो चलिए अब ये बात में थोड़ा मैं आगे बढ़ गई, इसी को मैं ये कि हाँ क्लियर ये करना चाहती थी कि देखो प्रेगनेंसी और पीरियड्स आपस में बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड हैं। पीरियड्स इसलिए आते हैं हमारे कि हर लड़की पूरे मंथ में हमारा जो बॉडी है वो तैयार करता है खुद को प्रेग्नेंट होने के लिए, और हमारी बॉडी में एक एग जो है वो वेट करता है कि स्पर्म आए, मुझसे मिले, मुझे फर्टाइल करे, उससे बेबी बने। और जब ऐसा नहीं होता है, स्पर्म और एग का मीटअप नहीं होता है, तो उस लड़की के शरीर से वो जो पूरी एक लाइनिंग तैयार होती है बेबी के लिए और जो एग होता है, वो सारी चीज़ें श्रेड होके हमारे प्राइवेट एरिया से, हमारी वजाइना से बाहर निकल जाती हैं, और इसी को ही कहते हैं पीरियड्स। यानी कि प्रेगनेंसी उस महीने हमारी नहीं हो पाई, इसीलिए हमें पीरियड्स हुए। पीरियड्स हो गए तो इसका मतलब यह है कि प्रेगनेंसी नहीं हुई है। और अगर एक बार आप प्रेगनेंट हो गए तो फिर हमारी बॉडी वो पूरी ना तो लाइनिंग दोबारा तैयार करेगी हर महीने, ना वो एक एग जनरेट होगा जब तक कि बच्चा 9 महीने बाद पैदा नहीं हो जाता। तो कैसे फिर प्रेगनेंसी के दौरान पीरियड्स होंगे?
आई होप मेरी ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको समझ आई हो. अगर नहीं आई हो तो मैंने इस पर भी वीडियो बनाई हुई है. डिटेल में मैंने प्रेगनेंसी का प्रोसेस समझाया हुआ है कि आखिर एक गर्ल प्रेगनेंट होती कैसे है, पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है. आप वो वीडियो भी देख सकते हो. अगेन उसका लिंक मैं आपको आई बटन पर दे दूँगी. और भी थोड़े बहुत मैंने वहाँ पर एक Q&A किया था, तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन मैंने वहाँ रिप्लाई करे हैं, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लेना. एक और जो क्वेश्चन आता है मेरे पास, क्या रिलेशन बनाने के 2-3 महीने बाद प्रेगनेंसी हो सकती है? वेल, अगर आपने रिलेशन जिस महीने बनाया है उसके बाद आपके पीरियड्स आ गए, एक बार आ गए, 2 बार आ गए, 3 बार आ गए, अगर पीरियड्स आ गए ना, एक बार भी आ गए, तो मतलब आप प्रेग्नेंट नहीं हो. और 2-3 महीने बाद अगर आप नोटिस कर रहे हो कि पीरियड्स अभी मेरे नहीं आए हैं, और जबकि मैंने रिलेशन इस टाइम पे नहीं बनाया था, 2-3 महीने पहले बनाया था, इसका मतलब आप प्रेग्नेंट नहीं हो. और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से पीरियड्स डिले हो जाते हैं. हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, कुछ ऐसी दवाइयाँ हो गई, बहुत सारे रीज़न हैं. अगेन इस पर भी मेरी वीडियो है और वो लिंक भी मैं आपको दूंगी, और आप वो वीडियो भी देखना. बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि मैं अपनी दूसरी वीडियो का क्यों प्रमोशन करती रहती हूँ. इट्स नॉट प्रमोशन गाइस. अगर मैंने किसी टॉपिक के बारे में डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है और मैं दोबारा से वही बातें इस दूसरी वीडियो में भी रिपीट करती रहूँ, तो आप भी बोलोगे ना कि क्या बार बार रिपीट करके सेम बात बताते रहते हो. तो इसीलिए मैं यहाँ पर छोटी सी बात बोल के आपको कहती हूँ कि डिटेल में इसके बारे में जानना है तो वो सेपरेट वीडियो देख लो. और यही कुछ बातें थी जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी. और एक और चीज़, क्या मैस्ट्रुबेशन करने से प्रेगनेंसी होती है? बिल्कुल नहीं होती है. सिर्फ एक ही तरीका होता है जिससे प्रेगनेंसी होती है, जब बॉय का स्पर्म और गर्ल का एग आपस में मीट करते हैं, उसी से ही सिर्फ प्रेगनेंसी होती है. उसके अलावा प्रेगनेंसी नहीं होती है किसी भी रीज़न से. तो आज की वीडियो में था इतना ही. मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को. बाय बाय, टेक केयर.